हेलो एंड वेलकम गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइज अगर आपको भी आपके फेसबुक पर आपकी आईडी को लॉगिन करते वक्त आपको यहां पर कुछ इस तरह से एरर आ रहा है, सॉरी अनेबल टू लॉगिन, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, तो आप यहां पर गाइज इस एरर से छुटकारा पाने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में गाइज मैं आप सभी के लिए इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। गाइज सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर इस एरर से छुटकारा पाने के लिए आपके फेसबुक को अपडेट कर लेना होगा। आपके फेसबुक को अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर फेसबुक को सर्च कर लेना होगा। फिर गाइज जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आप यहाँ से आपके फेसबुक को अपडेट कर लीजिए। गाइज मैं अगर यहाँ पर अपडेट होने तक के लिए थोड़ा वेट करता हूँ तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। गाइज आपको यहाँ पर सबसे पहले अपडेट कर लेना होगा, फिर उसके बाद आपको जो आपका मोबाइल नेटवर्क होता है जिससे आप इंटरनेट को यूज़ करते हो, आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना होगा। फिर गाइज आप यहाँ पर कुछ इस तरह के पेज पे ओपन हो जाओगे। गाइज आपके मोबाइल में दो सिम है तो आपको यहाँ पर दोनों शो हो जाएगी। गाइज आप जिस भी सिम से आपके नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं आपको उस सिम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक करना होगा। फिर गाइज आपसे पैटर्न मांगेगा आपके मोबाइल का, आपको यहाँ पर भर देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब आपको नीचे की तरफ रिसेट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको रिसेट पे क्लिक करना होगा। और फिर गाइज ये आपकी रिसेट एपीएन सेटिंग रिसेट हो जाएगी। उसके बाद आप बैक आ जाइए और अब गाइज आपको यहाँ पर फ्रेंड नेटवर्क टाइप पर क्लिक करना होगा। फिर गाइज आपका यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट है, अगर 2G सिलेक्ट है या फिर 3G सिलेक्ट है तो गाइज आप इसको यहाँ से 4G सिलेक्ट कर लीजिए। फिर गाइज उसके बाद आप यहाँ पर बिल्कुल ही बैक आ जाइए और गाइज फिर से आप सेटिंग को ओपन कर लीजिए आपके मोबाइल की। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कनेक्शन एज शेयरिंग, तो आपको कनेक्शन एज शेयरिंग पे टैप करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना होगा और आपको यहाँ पर रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ पर टैप करना होगा। फिर उसके बाद आपको नीचे की तरफ रिसेट सेटिंग का ऑप्शन शो हो जाएगा, आपको यहाँ पर टैप करना होगा। फिर गाइज आपको यहाँ पर ओके कर देना होगा। गाइज आप ओके करने के बाद बैक आ जाइए और गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या होगा। गाइज आपको यहाँ पर जो आपका एरोप्लेन मोड होता है उसको आपको यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए ऑन करना होगा और गाइज कुछ 30 या 35 सेकंड के बाद आपको एरोप्लेन मोड को ऑफ कर देना होगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि इससे होगा क्या, जो आपका नेटवर्क होता है वो रिफ्रेश होके आपके पास आ जाएगा। गाइज अगर आपने सब काम कर लिया है और तो उसके बाद आपको यहाँ पर आपका फेसबुक देखने के लिए मिल जाएगा। आपको आपके फेसबुक पर लॉन्ग प्रेस करना होगा और आपको यहाँ पर ऐप इन्फो पे क्लिक करना होगा। फिर गाइज आप यहाँ पर कुछ इस तरह के पेज पे ओपन हो जाओगे। अब आपको नीचे की तरफ क्लियर डेटा का ऑप्शन शो हो जाएगा, आपको क्लियर डेटा पे क्लिक करना होगा और आपको क्लियर कैचे पे क्लिक करके ओके कर देना होगा। जैसे ही गाइज आप ओके करोगे तो आपको क्लियर ओल्ड डाटा का ऑप्शन शो हो जाएगा, आपको क्लियर ओल्ड डाटा पे क्लिक करके ओके कर देना होगा। फिर मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर भी थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना होगा और रिस्ट्रिक्ट डाटा यूज़ पे टैप करना होगा। गाइज अगर आपकी ये तीनों अनटिक है तो गाइज आप यहाँ पर तीनों पे टिक लगा के ओके कर दीजिए। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टिक नहीं लगा रखा तो आपको आपके फेसबुक पर नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फिर गाइज ये सब काम कर लिया है, अब लास्ट में आपके मोबाइल को रिबूट कर लीजिए या फिर रिस्टार्ट कर लीजिए। आपको कैसे करना होगा, आपके मोबाइल को रिबूट या रिस्टार्ट आपके पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा। फिर गाइज आपको यहाँ पर रिबूट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पर रिबूट की जगह रिस्टार्ट का ऑप्शन भी शो हो सकता है। फिर गाइज ये सब काम करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, आपको कोई एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।